तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से लीव्स में और प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है और फूड बनता है अब प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को इस फूड की जरूरत है तो इस फूड को प्लांट्स के उन पार्ट्स तक पहुंचाना होगा जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता यानी नॉन ग्रीन पार्ट्स तक उसके अलावा आपको पता होगा कि प्लांट्स सॉयल से रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं तो अब रूट से इन चीज़ों को प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना है यानी ट्रांसपोर्ट करना तो वही हमें पढ़ना है कि प्लांट आखिर ये सब कैसे करता है तो प्लांट्स में बेसिकली ट्रांसपोर्ट की दो पाथवेज होती हैं एक जिससे वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स और एक जिससे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स जैसे कि लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट अब ये आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा कि वाटर के ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं जाइलम टिश्यूज बेसिकली दो तरह के जाइलम टिश्यूज करते हैं वेसल्स और ट्रैकि और फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं फ्लोएम टिश्यूज पर्टिकुलरली सीव ट्यूब्स और उनकी हेल्प करते हैं कंपेनियन सेल्स तो ये आपको याद रखना है क्योंकि पिछले ईयर्स में पूछा जा चुका है कि नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स तो आंसर क्या होगा टिश्यू एक और आपका बहुत अच्छा एनसीआर टी का क्वेश्चन है वट आर द कॉम्पोनेट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट्स अगर ये एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे इसे आंसर की दो कम्पोनेंट होते हैं एक जायलम टिश्यू दूसरा फ्लोएम टिश्यू जयलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स और वेसल्स ट्रैकिशन कर सकते हैं चलिए अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स पे प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट दो तरीकों से होता है रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन दोनों के काम एक हैं लेकिन तरीका अलग है और आपकी एन में भी क्वेश्चन है हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स तो दोनों को ही समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले बात करते हैं रूट प्रेशर की इस प्रोसेस में प्लांट की रूट्स सॉयल से आयन एब्जॉर्ब करती हैं आयंस को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट को एनर्जी या ए खर्च करनी पड़ती है जब किसी चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए ए टी तो उसको कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्ब तो जब आपकी आर कहती है कि सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस तो इसका मतलब है कि रूट के सेल्स ए खर्च कर रहे हैं अब जब रूट के अंदर आयंस आ जाते हैं तो इससे एक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होता है यानी बाहर सॉइल में वाटर ज्यादा आयन्स कम और रूट्स के सेल्स में आयन ज्यादा वाटर कम तो इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए वाटर अपने आप सॉइल से रूट्स में आ जाता है इजी अब जब एक तरीका ऑलरेडी प्लांट्स के पास था वाटर ट्रांसपोर्टेशन का तो फिर ट्रांसपिरेशन की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि रूट प्रेशर से वाटर ज्यादा हाइट्स तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता और आपको तो पता ही है कि ट्रीज कितनी बड़ी हाइट के हो सकते हैं तो इसलिए जरूरत पड़ी ट्रांसपिरेशन की तो चलिए समझते हैं कि इसमें क्या होता है आप स्टोमेटा को तो जानते ही होंगे वही टाइनी पोर्स जो लीफ के सरफेस पे होते हैं इन पोर्स से प्लांट में वाटर लॉस भी होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स लीफ के सेल्स से इवेपरेट होके निकले तो एक सक्शन एक पुल क्रिएट होता है बिल्कुल जैसा आप स्ट्रॉ से कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं तो आप जो सक्शन क्रिएट करते हैं कुछ उस टाइप का सक्शन यहां बनता है जो रूट्स के ज़ाइलम से वाटर को खींच के प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचा देता है जाए कि व्हाट इज ट्रांसपेरेशन तो आप कहेंगे द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट मतलब जो सॉइल के ऊपर है इज नोन एज ट्रांसपेरेशन एक और क्वेश्चन यहां बन सकता है इनफैक्ट प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है नेम द प्रोसेस इन प्लांट्स वेयर वाटर इज लॉस्ट एज वाटर वेपर तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में स्टोमेटा से निकलते हैं ऑल right? तो देखिए कितना ईजी था अब ऐसे ही हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स प्लांट्स में फूड के ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन आपकी एनसीईआरटी में ट्रांसलोकेशन बहुत ही सिंपल तरह से दिया हुआ है देखिए क्या होता है मान लीजिए ये लीफ है जहां फूड बन रहा है और ये स्टेम है जिनमें फ्लोएम टिश्यू है कौन सा फ्लोएम टिश्यू सीव ट्यूब्स अब मान लीजिए कि ये फूड सुक्रोज है और इसको हमें किसी नॉन ग्रीन पार्ट में पहुंचाना है जहां फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो सबसे पहले प्लांट एटीपी का यूज करके सुक्रोज को लीफ से फ्लोयम तक ट्रांसपोर्ट करेगा अब सुक्रोज वाटर, तो वाटर, तो वाटर भी आ गया सुक्रोज भी आ गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर टिश्यूज में बढ़ जाएगा आपको तो पता है कि चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं तो ये सुक्रोज हाई प्रेशर वाले सीव ट्यूब से प्लांट के बाकी के पार्ट्स में चला जाएगा जहां लो प्रेशर है जहां फूड की रिक्वायरमेंट है समझ आ गया बहुत बढ़िया तो आपकी एनसीआरटी का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आर द बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम और एनसीआरटी के क्वेश्चन को हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है बोर्ड्स का पेपर भरा हुआ होता है एनसीआरटी के क्वेश्चन से ऑल राइट right, तो क्या आंसर करेंगे पहली बात ऑफकोर्स जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोयम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है दूसरा डिफरेंस जाइलम का ट्रांसपोर्ट हमेशा नीचे से ऊपर होगा यानी रूट्स से प्लांट के बाकी के पार्ट्स में राइट और फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जाइलम वाले ट्रांसपोर्ट में वाटर वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा से लूज किया जाता है जिसकी वजह से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है जबकि फ्लोयम ट्रांसपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ प्लांट ए का यूज करके फूड लीव से फ्लोएम में और फिर बाकी प्लांट के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है